देखो भाई, 30 लड़कियां टोटल एसटी कैटेगरी की 30 लड़कियों ने आज फिजिकल का ट्रायल दिया है। और तू एक नंबर पे नहीं, तो एक नंबर पे आना। Thank you.
बैच नंबर 38 लास्ट थ्रो थर्ड अटेम्प्ट दोनों लड़कियां इनके आउट ऑफ नंबर काय काय में आ रहे हैं तेरे 40 में 40 नंबर रनिंग में आ रहे हैं और कोई से इवेंट में लॉन्ग जंप में 28 है तेरे मेरे गोले में आ रहे हैं गोले में 30 में 30 आ रहे हैं रनिंग में कितने आ रहे हैं 32 आ रहे हैं 32 लेकिन यहां पर एक और है ममता खड़ी हो 40 में 40 नंबर रनिंग में पहले नंबर पे रनिंग खत्म करिए प्रॉब्लम किस में आएगी लॉन्ग जंप में गोले में कितना नंबर है
26 बेटो, दो लड़कियां ऐसी थी जिनको 150 प्लस नंबर आए एसटी कैटेगरी की, पांच लड़कियां ऐसी हैं जो 140 नंबर प्लस की है। 140 वाली खड़ी हो जाओ बेटा, 140 से ज्यादा जिसके हैं, ये पांच लड़कियां हैं जिनके 140 से ज्यादा नंबर है, कितने बेटा? 144 144 148 147 बैठ जाओ। नौ लड़कियां ऐसी है जो 130 प्लस स्कोर करी है, 130 प्लस कौन कौन है देखो, कितने नंबर है बेटा? 134 136 मतलब टोटल 30 लड़कियों ने फिजिकल दिया है, इनमें से 16 लड़कियां टोटल ऐसी है जो 130 प्लस स्कोर कर रही है, 140 प्लस पांच लड़कियां हैं और 150 प्लस दो लड़कियां हैं। चूंकि एसटी कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो एसटी कैटेगरी में एग्जाम्स के नंबर बहुत कम है, बहुत ज्यादा नंबर वाली लड़कियां नहीं है, 68, 62, 65 ऐसे नंबर है इनके, लेकिन फिजिकल में अच्छा स्कोर कर रही है, अभी भी फिजिकल में और स्कोर कर सकती है। एवरेज कट ऑफ की बात करें तो ये लड़कियां जितनी भी लड़कियां हैं, 130 वाली लड़कियां अगर 140 में कन्वर्ट हो गई, 140 तक अगर पहुंच गई तो ये सेफ है, जैसे कि 150 प्लस जो लड़कियां हैं वो तो सेफ है ही, 145 प्लस अगर आपके नंबर आते हैं एसटी कैटेगरी में तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता है वर्दी पहनने से। 140 प्लस लड़कियां भी थोड़ी संतुष्ट हो सकती है, लेकिन संतुष्ट होने से तो कुछ होना नहीं है, वर्दी कब मिलेगी? जब आपका सिलेक्शन होगा। तो वर्दी अगर चाहिए तो अभी टाइम है, मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपको फोर्स अकेडमी का हेल्प लगता है तो आप आइए, फोर्स अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं।